Hello everyone, hi, this is welcome you all on the Let's Crack NEET UG platform, and to all of you guys who have joined now, these are the timings which I am available for you all guys, and that is at 2 p.m. and 5 p.m. and this is something about my experience, about me, that is definitely going to help you all guys in your preparation, and this is a very important series going on, and the best part of this all is just to bring you live on the Unacademy exceptional platform. These are the benefits by which you can see, by which you can have, that is read from the top educators. Everything is just a one click away from you all. These are the current courses, syllabus, everything is there, just a one click, a single touch away from you all. So what you need to do, you just need to install the Unacademy learning app. And there are the current crash courses which are being live on the Plus platform, upcoming courses, everything will be there for you all. So what you need to do, you just need to have the NEET, UG and foundation subscription, that is the 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. Each plan is for you all guys, and that is definitely going to help you. And don't forget to use my promo code HJLIVE. आपको ये यूज करते ही 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, ठीक है? सो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते ही लाइफ विल बी इजी, प्लस यही नहीं, आपको वो चीज सब चीजें मिल जाएगी जिसको आप लैग बिहाइंड कर रहे थे अपनी प्रिपरेशंस में. सो लेट अस बिगिन आवर सेशन बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे अपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, और इट्स इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो कि क्लास टेंथ में बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा क्लास टेंथ में इट इज अ कंप्लीट यूनिट इज देयर फॉर व्हाट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक कंप्लीट यूनिट है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की पूरी एक कंप्लीट यूनिट दे रखी है आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है? सो आप इस पे आ सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस इन दिस. सो देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है क्या, चैप्टर क्या है, क्या यूनिक खासियत है अपने कार्बन के बारे में. सो अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बन की लाइफ से. सो आपको पता है बच्चों कार्बन की अगर जनरल अपन जनरल एकदम जनरल बात करें, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं, बेसिक से स्टार्ट होता है कार्बन का. अगर आप जाने तो एटॉमिक नंबर होता है, बताइए कमेंट में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. एवरीवन नोज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एटॉमिक नंबर के आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बाद आपको ये याद होना चाहिए कि कार्बन इज अ मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड. सो पूरी दुनिया में पता है कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है? और जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, इट एग्जिस्ट इन नेचर इन विच सॉलिड लिक्विड और गैस, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. किस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट. सो ये तो बेसिक फंडामेंटल बातें करी मैंने. अब जो कार्बन को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अपने लिए, है ना? ऐसा क्यों कि भाई कार्बन ही, वाई नॉट हाइड्रोजन, वाई नॉट सिलिकन, वाई नॉट नाइट्रोजन, वाई नॉट ऑक्सीजन, बतेरे कंपाउंड, बतेरे एलिमेंट्स है यार, कार्बन ही क्यों? सो अगर आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन कार्बन के ऊपर, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पे अटैक करने वाली है क्लास 11th 12th में, ठीक है? कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने वाले हो, तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा क्लास 11th और 12th में पूरा कार्बन की ही बातें. सो अगर आपको पता हो तो कार्बन अकेला मिलके, कार्बन अकेला, ठीक है, अकेला इट फॉर्म्स मोर देन हाउ मच, 3 मिलियन कंपाउंड्स. कार्बन अकेला इतने कंपाउंड बनाने में सक्षम है. इट फॉर्म्स मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है? इतने सारे कंपाउंड्स ये बना सकता है, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स इट इज गोइंग टू फॉर्म. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. इतने अकेले एलिमेंट जितने प्रेजेंट है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे अकेले मिलके भी नहीं बना पाते जितना अकेला कार्बन मिलके बना पाता है 3 मिलियन कंपाउंड्स, ठीक है? सो इन सब की बातें, इन सब में तो सारी बात ले देके वहां पे आ जाती है, ऐसा क्या यूनिक फीचर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द कार्बन,
दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इतना सारा कंपाउंड बनाने में, ठीक है। सो देखिए कार्बन की अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों, है ना, सारी बात यहीं पे अटक जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल सी है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो अपन ने 6 लिख दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे के कॉमा एल, इट इज योर 2,4, यस और नो? 2,4,6 एटॉमिक नंबर है, C6 12, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू सी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू सी इन द आउटरमोस्ट शेल? द कार्बन कंप्राइजेस ऑफ एन आउटरमोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में। अब देखो, अब आती है सारी बातें। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बन, ठीक है। नाउ वी हैव टू सिग्निफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बन, कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है कार्बन में, टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बन, तो ये सिग्निफाई करनी है अपने को, ठीक है। देखो अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग कार्बन में कौन सी होती देखते जाइए। अब इसका रीजन क्या है, देखो व्हाई बॉन्डिंग अकर्स, है ना, व्हाई बॉन्डिंग अकर्स, बॉन्डिंग अकर्स, देखिए बच्चों व्हाई बॉन्डिंग अकर्स, बॉन्डिंग का रीजन होता है bonding occurs to attain stability, bonding occurs to attain what, occurs to attain stability, stability आने के लिए, stability of compounds लाने के लिए bonding occur होती है, कि वो element जो पहले stable नहीं थे वो अब और ज़्यादा stable हो गया। भाई हर एक चीज़ दुनिया में, हर एक चीज़ किस लिए होती है? stable होने के लिए। एवरीवन फॉल्स फॉर स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा मतलब आपका मॉलिक्यूल, हर एक आदमी स्टेबल होगा, है ना, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब देखते हैं सो कैसे स्टेबल होती है, दे ऑल वांट टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, दे ऑल वांट टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, किसकी, नोबल गैसेस की आपको कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे वो सारे के सारे, किसकी अटेन करेंगे, नोबल गैसेस की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, बिकॉज नोबल गैसेस आर वेरी वेरी स्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वो इस पूरी मोह माया के जाल से परे हैं, सारे बॉन्डिंग के जाल से परे हैं, ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तो हर कोई इलेक्ट्रॉन ले देके आपको इसी की तरह शो करने वाला है, इसी की तरह दिखने वाला है। सो देखो कार्बन पे अपने पास ऑप्शन है, सपोज कार्बन फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल कार्बन क्या बनाता हो, आयनिक बॉन्ड बनाता हो, फॉर एग्जांपल, है ना, सपोज आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें कि आयनिक बॉन्ड बना पाए, सो व्हाट ही नीड टू अटेन, कार्बन के आसपास वाली नोबल गैस को अटेन करना पड़ेगा। सो आप देखो जैसे कि कार्बन है, ठीक है, आपको पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई इस पे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, इट कंप्राइजेस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। सपोज ये केटायन बनाया, सपोज इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, लूज कर दिए, मतलब -4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +4, ठीक है। सो अब ये किसकी तरह दिखने लगेगा, हीलियम की तरह, टू अटेन हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, सो अब क्या बना, C4-, जो कि किसकी तरह दिखेगा, नियॉन की तरह, एक तो दिखा हीलियम की तरह, एक दिखा नियॉन की तरह। सो दो पॉसिबिलिटीज है, बट यार बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, बड़ी गड़बड़ हो रही है, बड़ी गड़बड़ इसलिए हो रही है कि कार्बन, ध्यान से देखना, कार्बन C4+, C4-, इनमें अगर अपन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की काउंट करें, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का क्या करें, बस थोड़ा सा काउंटिंग करके देखें। सो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर काउंटिंग करोगे, सब में प्रोटॉन तो इतना ही है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतना ही है, बट यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। देखो देखो डिफरेंस देखो आप यहाँ पे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस हो रहा है भाई, 6 प्रोटोन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन को घेरे हुए हैं, और 6 प्रोटोन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को, सो ये पॉसिबल ही नहीं होता, है ना, दीज स्ट्रक्चर, दीज आयंस फॉर्म ही नहीं हो पाते। These both the ions are very
अनस्टेबल, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल. मतलब अगर प्लस फोर भी नहीं बना ना माइनस फोर बना, मतलब कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन. ठीक है, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है ड्यू टू दिस, बिकॉज छह प्रोटॉन कभी जाने ही नहीं देंगे चारों इलेक्ट्रॉन्स को, और ना ही छह प्रोटॉन में इतना छोटा सा कार्बन का साइज कि आप ऐड कर पाओ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की, भाई उसकी क्वांटिटी आप 10 पे ले जाओ. सो ना तो आप इलेक्ट्रॉन चार ऐड कर सकते हो, ना ही चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो. अब क्या पॉसिबिलिटी बची? अब पॉसिबिलिटी बनती है किसकी बच्चों? द वेरी फेमस बॉन्ड्स जो है जेम्स बॉन्ड आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. कोवेलेंट क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? देखो गाइस, देखो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स जनरली फॉर्म बिटवीन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, दे जनरली फॉर्म बिटवीन व्हाट? दे जनरली फॉर्म बिटवीन योर नॉन मेटल्स, दे जनरली फॉर्म बिटवीन योर नॉन मेटल्स. पहली बात, ठीक है, कोई मेटल नॉन मेटल इंट्रैक्शन नहीं, ओनली नॉन मेटल्स. सिंपल बात, नो बकवास. ठीक है, ओनली नॉन मेटल्स. ठीक है, बिटवीन नॉन मेटल्स जिनको स्टेबिलिटी अटेन करनी हो. प्लस सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब बनेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब बनेगा ये बॉन्ड. सो कैसे कैसे बना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दू H2 मॉलिक्यूल का. H2 इज अ मॉलिक्यूल विच एक्सिस्ट, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है ना यार, हाइड्रोजन गैस जो नेचर में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो अब देखें H कैसे एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे. भाई हाइड्रोजन के सबसे नियरेस्ट, भाई दे ऑल मेटल्स, दे ऑल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, टू अटेन व्हाट? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए फॉर्म कर लें. ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी प्लस, ठीक है, एंड टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग व्हाट? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. बाय अचीविंग व्हाट? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. बाय अचीविंग व्हाट? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करके आपको ये मिलेगा. ठीक है, अब देखो H2 मॉलिक्यूल कैसे एक्सिस्ट करता है, देखते हैं. अब देखो H2 मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है आपके सामने, हाइड्रोजन है और के है यहाँ पे. सो इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है. दोनों हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो एक हाइड्रोजन का मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करा, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक और, ये इस तरीके से बॉन्ड रिप्रेजेंट. अब ये करते क्या है बच्चों, ये अपने साथ क्या करते हैं, ये एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं. दोस्ती इज द बेस्ट थिंग. दोस्ती में हर चीज शेयर हो जाती है, जो तेरा है वो मेरा है. ठीक है, दैट इज अ सिंपल लॉजिक. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं ये, कि यहाँ पर ये कलेक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट कर देता है, H2 मॉलिक्यूल, जो कि अब स्टेबल हो चुका है. पहले दोनों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन थे, पर अब देखो इस तरीके से बॉन्डिंग हुई है बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल है. बाय हाउ? देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास कुछ देर के लिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए. सो इट अचीव्स विच नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? Hg, तो ये स्टेबल. और थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा सोचो, अगर थोड़ी देर के लिए ये वाला हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है, इस वाले के पास अगर आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, सो यहाँ से भी क्या बन गया, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भी बन चुका है आपका He. ठीक है, सो दोनों ने अपनी शेयरिंग करी, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के आसपास रहते हैं, दोनों कभी तू रख कभी मैं रखता हूं. सो दिस इज नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज नोन एज व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड यहां से दिस इज नोन एज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड गाइस. इसको बोला जाता है सिंगल कोवेलेंट आपका बॉन्ड. एंड दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ठीक है,
this covalent bond is being your 007 James Bond, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री का James Bond है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये James Bond है 007, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी पे सारे के सारे आपके structures, compounds, everything will be going to on this only. So, दोनों ने अपनी octet duplet complete कर लिया, ठीक है, duplet means HE की configuration, they both achieve their duplet means they both achieve the configuration of helium और दोनों मस्त होके घूम रहे हैं साथ साथ. So, this is the meaning of covalent bond, single covalent bond. Similarly, you are going to have the bonding of, तो bonds कितने तरीके के होते हैं आपके covalent bond बच्चों, कितने तरीके के हुए covalent bond अगर मैं आपको signify करूं, so covalent bond types कितने हुए, so आपके covalent bond हो गए, पहला हो गया आपका single covalent bond, ठीक है, second one is your double covalent bond and the third one is your triple covalent bond, this is single, double and triple. अब देखो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, single covalent bond means जैसे कि for example H2 के बीच में अपन ने बनाया, so H2 जो molecule में कैसे बना, H ये रहा, so दोनों के बीच में एक एक bond आया तो single covalent bond हो गया. Now you are going to have between O2, O2 molecule है, O2 molecule में कैसे हुआ, O double bond O. तो देखो हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना बॉन्डिंग करते वक्त, दिस इज अ थंब रूल, ऑलवेज 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 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ऑलवेज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा किसमें, participate in the bonding. So O2 में भी यही है कि भाई oxygen को अगर आप जानते हो तो oxygen का जो configuration हो जाता है it is 2.6, ठीक है, 8. So ये किसकी achieve करना चाहता है, neon की, noble gas neon को achieve करना चाहता है जो कि है 2.8 पे, ठीक है, जो कि किस पे, 2.8 पे. तो यहाँ पे देखो इसके ध्यान से देखो, इसके अपन बिंदियां बनाते हैं. So oxygen की कितने हैं, दो ये रहे इस वाले ऑक्सीजन के, दिख रहे हैं सभी को, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख गए इस वाले ऑक्सीजन को सभी के. अब इस वाले ऑक्सीजन के भी आपको मैं दिखा देता हूं, शो कर देता हूं इसी वे में, देखो दो ये रहे और दो ये रहे, इस वाले दोनों ऑक्सीजन के आपको 6 बॉन्ड्स आपको दिख गए हैं, ठीक है, 6 आपको इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं. तो देखो यहां पे ये इसके भी 6 है, इसके भी 6 है, तो थोड़ी देर के लिए ये 6 क्या होना चाहेंगे, 8 होना चाहेंगे, ये 6 से 8 होना चाहेंगे, और थोड़ी देर के लिए जो पास वाला है वो भी 6 से 8 होना ही चाहेगा, ताकि अब ये भी स्टेबल हो जाए और थोड़ी देर के लिए ये भी स्टेबल हो जाए. सो ये देखो ये बीच में आपका इन दोनों के जो बीच में एरिया है, द कॉमन एरिया, इसमें आपकी बॉन्डिंग होगी, इसमें आपके ये दोनों मिल प्रेम के आपके गुण गाएंगे, तो ये बॉन्डिंग हो गई, दिस इज द बॉन्डिंग व्हिच इज गोइंग टू टेक्स प्लेस एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर. सो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर, अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर अपन बताएं, दीज ऑल आर मेंशंस इन द एनसीईआरटी आल्सो, N2 मॉलिक्यूल. सो N2 का नाइट्रोजन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2.5, इसको कितनों की जरूरत है, ये चाहेगा किसकी तरह देखना, नियॉन की तरह. सो कितनों की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने बॉन्ड्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतने बॉन्ड्स, 3 इलेक्ट्रॉन की, N2 दोनों है नाइट्रोजन को 3-3 की है. सो क्या बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बना दो. सो ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा एक और नाइट्रोजन. अब मैं इनके आपके सामने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रस्तुत करता हूं, दोनों की सेम ही इलेक्ट्रॉन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सेम ही इलेक्ट्रॉन है, 2-3 ये रहे 3, इसके भी 2-3 ये रहे, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे. देखो ये रहा एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड नाउ दिस विल बी द स्ट्रक्चर. देखिए ये दिस कॉमन एरिया, और इस एरिया में देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस एरिया में भी देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन. सो दे बोथ हैव कंप्लीटेड देयर octet, they both have completed their octet, दोनों अपनी nearest noble gas के
तरह दिखेंगे. सो दैट्स इज द रीजन व्हाई दे आर गोइंग टू बॉन्ड. ठीक है, इसलिए ये आपके बॉन्ड बनाना चाहते हैं सारे एलिमेंट. सो वी आर गोइंग टू हैव अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम अपन. सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट इज CH4. देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको, फिर बाकी आपको खुद को बनानी है, सोचनी है. तो CH4 में आपको बस ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो कार्बन हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 2, 2, 4. बोलो मत यार, हाइड्रोजन की 1 है. सो कार्बन के पास 4 है इलेक्ट्रॉन, 4. बस आउटरमोस्ट को देखना है, आउटरमोस्ट इसका तो आउटरमोस्ट जो है वही पहला ही आउटरमोस्ट है. ठीक है, सो कार्बन के पास कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है. ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिए. अब हाइड्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सारे हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का. ठीक है, दिख गए सबको हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के देखो, सारे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हुए. देखो सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन. अगर ये बॉन्ड बन जाता है तो ये सारे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस, दिस एक और हाइड्रोजन यहाँ बना दिया है और ये सारे हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से कार्बन के काउंट करो तो कार्बन के काउंट करके भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे. ये देखो ये पूरे, ये पूरा ये जो बड़ा सर्किल है, इस पूरे बड़े सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये ब्लू वाला सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज सारी सिंगल बॉन्ड्स है. सो कार्बन सारे बॉन्ड्स आपके किससे, सिंगल बॉन्ड्स. सो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव विद दिस, हाइड्रोजन इज बीइंग प्लेस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर CH4. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. भाई सारे के सारे ऑल हैव 4 सिंगल बॉन्ड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है आपको CO2 मॉलिक्यूल. किसका एग्जाम्पल लिया है, CO2 मॉलिक्यूल का. बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, वापस से अपन वही चीज लिख रहे हैं. कार्बन का है 2, 4, ऑक्सीजन का है 2, 6. ठीक है, कार्बन का है 2, 4, ऑक्सीजन का है 2, 6. देखो सिंपल सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा एटम चाहिए, जिसको मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. पर जैसे कार्बन में 4 डेफिसिट है, 8 होने चाहिए, ऑक्सीजन में 2. सो उसको बीच में रखो, जिसमें जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने के, उसको बीच में रखो. ठीक है, उसकी क्वेरीज पहले पूरी करो. सो कार्बन है और ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन. अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं. तो ऑक्सीजन के 6 भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो आपको अपने आप देखते ही समझ आ जाएगा होने क्या वाला है. सो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन इसके. ठीक है, ये रहा एक और ऑक्सीजन, ये रहा एक और इसके, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए. सो अब देखो यहाँ पे कैसा बना ये बॉन्डिंग, ये यहाँ पे कैसी बनी, ये देखो ये कंबाइन हुआ यहाँ पे, एक ये ऑक्सीजन पे 8, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे 8, और ये यहाँ पे बीचों बीच सब पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. हर एक सर्किल को देखोगे आप, मस्त 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करके घूम रहा है. तो देखो डबल बॉन्ड हुआ ना, ये देखो कितने बॉन्ड है, एक एरा. सो क्या बना आपको कंक्लूजन, कार्बन बीच में, CO2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, आई बात समझ में. थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए जैसे कि मेरे पास थर्ड स्ट्रक्चर है आपके सामने HCHO की. HCHO क्या होता है, HCHO कैसे बनाया जाएगा. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा मैंने आपको अभी कंक्लूजन भी बताया है बच्चों, कैसे बनाने का मतलब फंडा होता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसको बीच में रखो. हाइड्रोजन हमेशा एक ही बना सकता है, सभी को दिखता है हाइड्रोजन एक ही बना सकता है. ठीक है, सो कार्बन के ये रहे, कार्बन के ये रहे भाई एक एक, तो कार्बन एक ही बना सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने सबको हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ना चाहा, तो कार्बन से अगर मैं जोड़ना चाहूंगा सभी को, देखो कार्बन से अगर जोड़ूंगा तो हाइड्रोजन तो एक ही चाहिए, तो एक रिक्वायरमेंट होके ये हाइड्रोजन दोनों तो मस्त हो गए, हुए नहीं हुए. इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों हाइड्रोजन दोनों ने. अब क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के, और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 6. सो अब ये देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे 2, 6 होते ही ये क्रॉस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपके किसके, ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के 6.
सो ये दोनों अच्छा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, आपको इजीली होगा मतलब नोटिस करने में। देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये बन गया 6 इलेक्ट्रॉन, दिख गए। सो दिस इज द वे। सो अब क्या कर लो, ये दोनों बॉन्ड इस तरीके से दोनों के कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग। अब देखो सारा सर्किल देखो, इस ऑक्सीजन के साम्राज्य देखो, इस ऑक्सीजन के साम्राज्य में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के भी साम्राज्य में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से देखना, इस कार्बन का साम्राज्य बना रहा हूं मैं। सो कार्बन के भी साम्राज्य में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, दिख गए सभी को 8, 4 4 2 6 और सबके पास। सो दिस व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच एंड देन एच, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एच सी एच ओ, और इसको बोला जाता है बच्चों कॉमन नेम जो इसका है, मतलब इसका नेम जो है मिथेनल, ठीक है, मिथेनल बोला जाएगा, एल्डिहाइड बोला जाता है इस फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। एंड दिस इज द बीइंग योर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। चलिए एक और लास्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, वन मोर स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल, बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से बताने की कोशिश करिएगा इसको। जैसे कि अगर मुझे बनाना हो CH3COCH3 का स्ट्रक्चर, CH3COCH3 का स्ट्रक्चर, ध्यान से सोचो CH3COCH3 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। सो CH3COCH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन है तो कार्बन पे जैसा दे रखा है वैसे ही बनाते जाओ, जैसा दे रखा है वैसे ही बनाते जाओ। कार्बन है, कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन आ गए, फिर वापस से कार्बन, फिर वापस से आपको कार्बन से कार्बन को लिंकेज करो CH CH CH, ठीक है। अब बचा क्या, और इस कार्बन पे देखो जो बीच वाला कार्बन है उस पर दो बॉन्ड बच गए, तो ये दोनों बॉन्ड मैंने किससे ज्वाइन कर दिया आपके ऑक्सीजन के, देखो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड से दिख रहे हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, ऑल आर सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और वेरी गुड, बहुत अच्छी सी स्ट्रक्चर है, जैसे कि CH3COOH, ये बनाना है आपको, इसको बोलते बच्चों हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसिटिक एसिड बोला जाता है, जैसा दे रखा है वैसा बनाना स्टार्ट कर दो। तो जैसा दे रखा है वैसा बनाओगे तो सी है CH H H, और यहाँ पे वापस C आ गया, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड हो ओ एच, दिस इज स्ट्रक्चर, यस और नो, एसिटिक एसिड दिखा नहीं दिखा, एसिटिक एसिड CH3COOH, इस कार्बन पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हैं, सॉरी 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और इसके भी 4 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। सो ये मेरा एक ब्रीफ था। अगले में अपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज, तो पूरा कार्बन कंपाउंड्स अपन कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, एंड बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कम एंड ज्वाइन आवर सेशंस, लाइव सेशंस आप आके ज्वाइन करें, और फाउंडेशन कोर्स जल्दी से ले लीजिए, सब्सक्राइब हो जाइए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको when you are going to use the code, my code, that is HJ live, me teaching to you live out there, okay, so remember to join this and don't forget to use my code. Thank you all, bye bye.